आदित्य ठाकरे अयोध्येमध्ये सध्या आहेत आणि यावेळी ते पत्रकारांशी संवाद सुद्धा थोड्याच वेळा साधण्याची शक्यता आहे. शरयू तीरावर संध्याकाळी ते आरती करणार आहेत. 10 ते 12 हजार शिवसैनिक अयोध्येमध्ये दाखल झाले, त्यामुळे अयोध्येतील संपूर्ण वातावरण भगवमय झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आदित्य ठाकरे आता तिथून काय बोलतात, काय संवाद साधतात, हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. आदित्य ठाकरेंबरोबर खासदार संजय राऊत सुद्धा उपस्थित आहेत, नीलम गोऱ्हे सुद्धा त्यांच्यासोबत दिसतात आणि हजारोंच्या संख्येनं शिवसैनिक हा आदित्य ठाकरेंबरोबर अयोध्येमध्ये दाखल झालेले आहेत. 10 ते 12 हजार शिवसैनिक सध्या अयोध्येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ठिकठिकाणी आदित्य ठाकरेंसाठी बॅनर्स झळकवण्यात आलेले आहेत. भगवमय वातावरण अयोध्येमध्ये सध्या पाहायला मिळत आहे. शरयू तीरावर सुद्धा शिवसैनिकांकडून मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. आदित्य ठाकरे थोड्याच वेळात आता संवाद साधणार आहेत. आप सभी का शिवसेना की तरफ से अयोध्या में स्वागत है. जरा अपने रुपये थोड़े मागे जाओ. अयोध्या में आप सभी का स्वागत है. आवाज मत करो. अयोध्येमध्ये आदित्य ठाकरेंची ही पत्रकार परिषद पार पडते. काही क्षणांमध्ये आदित्य ठाकरे पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत. प्रेस वार्ता का स्वरूप देखकर पता चला होगा. मुझे लगता है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आदित्य ठाकरे जी देंगे. जिस संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं तो आपको मालूम होगा कि आदित्य जी के इस अयोध्या टूर के बारे में पूरे देश में कितनी उत्सुकता है. और इसीलिए आज मैं देख रहा हूँ पूरा अयोध्या आदित्य जी के स्वागत के लिए तैयार है. यहाँ के सभी अखाड़े, सभी मंदिर के संत महंत सभी ने आदित्य जी का स्वागत करने का मन बना लिया है. और आज लगभग 2 साल के बाद आदित्य ठाकरे जी पूरे शिवसेना के साथ इसलिए बिना माइक के बोल रहे हैं. और
मेरा आवाज और आदित्य जी का आवाज आपको जरूर सुनाई देगा, आप चिंता मत करिए। सुनो सुनो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रेस वार्ता में आदित्य जी के साथ सीधा संवाद करिए। मैं आदित्य जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रेस वार्ता शुरू करें। मी आपले सर्वांचं सभी भाषाओं में बोलेंगे, आपले सर्वांचं जे स्वागत करता है। पुन्हा एकदा आपण बघितलं असेल की मला वाटतं ह्या 3-4 वर्षाच्या काळामध्ये आपण शिवसेना परिवार सोबत अयोध्येत चौथ्याने येत आहे, पण उत्साह तसाच आहे, जल्लोष तसाच आहे। आणि आता तर आपण बघत असाल की मंदिर निर्माण होत असताना अजून उत्साहाने शिवसैनिक, अनेक शिवसैनिक महाराष्ट्रातून असेल, यूपीमधून असतील, इतर राज्यांमधून असतील, हे इथे आलेले आहेत, अयोध्येत आलेले आहेत, राम जन्मभूमीत आलेले आहेत, रामलल्लांचं दर्शन घ्यायला आलेले आहेत। माझ्यासोबत आपण सगळेच प्रेसचे जे आमचे मित्रमंडळी आहात, इकडचे स्थानिक जे प्रेस आहेत ते आलेले आहेत, यूपीमधले महाराष्ट्रातून आलेले आहेत। मी आपल्याला हीच विनंती करेन की आमच्यासोबत जो काही उत्साह आहे, जल्लोष आहे, त्याचं पण थोडं चित्रीकरण करावं आणि देशाला दाखवावं, कारण हे एक वेगळा विषय आहे। आपल्याला आठवत असेल 2018 पहिल्यांदा आम्ही पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरेंबरोबर आलेलो आणि तेव्हा त्यांनी घोषणा केलेली की पहले मंदिर फिर सरकार। योगायोगाने जेव्हा आम्ही नोव्हेंबर 2018 आलेलो, ती घोषणा झाल्यानंतर कदाचित असं पूर्ण घडून आलं की त्यानंतरच लगेच आपण बघत असाल कोर्टाच्या जी काही प्रक्रिया होती त्याला चालना मिळाली आणि एका वर्षात बरोबर नोव्हेंबर 2019 म्हणजे त्या आसपास कोर्टाचा निकाल आला। कोर्टाच्या निकालामुळे आज इथे मंदिर निर्माण होत आहे, आम्ही कोर्टाचे तर आभार मानतच आहोत, पण एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आज इथे दर्शन ते घ्यायला आलेलोच आहोत। आपल्या मनात कदाचित प्रश्न असतीलच, पण त्याचं एकच उत्तर आहे की ही जी काही आमची आजची व्हिजिट आहे, इथे येणं आहे, ही आमची तीर्थयात्रा आहे, राजनैतिक यात्रा नाही आहे। इथे राजकारण करायला आलेलो नाही आहोत, दर्शन घ्यायला आलेलो आहोत। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज इथे आल्यानंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी, उद्धवसाहेब ठाकरेंनी मला सांगितलेलं आहे की ते स्वतः इकडचे जे मुख्यमंत्री आहेत योगी आदित्यनाथ जी, त्यांच्याशी बोलणार आहेत, पत्रव्यवहार करणार आहेत आणि ह्या अयोध्येत, ह्या पावनभूमीमध्ये महाराष्ट्र सदनासाठी देखील जागा मागणार आहेत। साधारणपणे 100 खोल्यांचं किंवा जास्ती जमेल असं प्रशस्त एक महाराष्ट्र सदन आम्हाला इथे बनवायचं आहे। महाराष्ट्रातून अनेक इथे भाऊक येत असतात, यात्री येत असतात, त्यांना राहण्यासाठी एक चांगली जागा इथे निर्माण करायची। आपले कुठचे ह्याच्यावर प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकतो, हिंदीमध्ये, इंग्लिशमध्ये, मराठीत, अर्थात कुठचेही विचारू शकतो। सर, हिंदी में आप ये बता दें कि आप अयोध्या आए हैं, अयोध्या इसे एक धार्मिक प्रतिष्ठान के तौर पर आप देख रहे हैं, क्या आगे का आपका प्रायोजन है? बिल्कुल, अयोध्या ये एक पवित्र भूमि है, भारत की आस्था से जुड़ी हुई है और हमारे भी आस्था से जुड़ी हुई है। मैं देखते आया हूँ और काफ़ी करीब से देखते आया हूँ, जब से हम यहाँ से, जब यहाँ आए थे पहले 2018, तब हमने एक नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। वैसे ही पूरा माहौल बनता गया। आप देखते होंगे कि जो कोर्ट का भी मामला था, उसी बाद ज़्यादा उसको एक चालना मिली और उसके बाद जो निर्णय आया, अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं कोर्ट की तो आभार मानता ही हूँ, लेकिन इसी के साथ आज जब हम आए हैं तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी खुद की आस्था का विषय है। पूरा शिवसेना परिवार यहाँ आया है, हज़ारों की तादाद में यहाँ आया है, संख्या काफ़ी बड़ी है, ट्रेनें भरकर आई है, प्लेन्स है, गाड़ी से लोग आए हैं, यही करने की रामलल्ला का दर्शन लेना है। आज भगवान श्री राम का दर्शन लेते हुए यही हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे हाथों से जो भी देश की सेवा हो, महाराष्ट्र की सेवा हो, लोगों की सेवा हो, अच्छी हो। सेवा भाव से यहाँ है, यहाँ आने के पहले मैं इस्कॉन अयोध्या भी होकर आया, जैसे ही उनको पता चला कि हमारा अयोध्या का दौरा तय हो रहा है, उन्होंने मुझे ईमेल किया था कि जो भी 70 के दशक में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने इस्कॉन मुंबई को मदद तब की थी, हेल्प की थी, तो वही एक रिश्ता आगे लेके जाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस्कॉन अयोध्या पधारे। तो आज वहाँ जाके हमने महाप्रसाद का थोड़ा एक भोजन लिया, फिर यहाँ आए, आपके दर्शन हुए हैं सबके। शायद माइक का प्रबंध इसीलिए नहीं किया है ताकि आपको हम जो बोल रहे हैं वो कम सुनाई दे और सवाल कम आए, लेकिन नहीं, एक ही बात है कि आगे जाते हुए आज हम रामलला का दर्शन तो ले रहे हैं, हनुमान गढ़ी भी जाएंगे, लेकिन उसी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने हमसे यही कहा है, हम सभी से कहा है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय है योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी वो
स्वयं फोन पे बातचीत करेंगे और खत भी लिखेंगे कि यहाँ अयोध्या में इस पावन भूमि में महाराष्ट्र सदन के लिए जगह दे। महाराष्ट्र से काफ़ी सारे यात्री आते हैं या तीर्थयात्रा करने आते हैं, तो मुझे लगता है कि रहने के लिए कोई प्रबंध हो, इसलिए वो हम महाराष्ट्र सदन बनाना चाहते हैं। सर, आप एक युवा और मॉडर्न फेस देखे जाते हैं शिवसेना के, क्या ये माना जाए कि शिवसेना अपने पुराने अवतार हिंदुत्व पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है? मुझे लगता है कि ये अवतार या पॉलिटिक्स यहाँ बोलना उचित नहीं रहेगा। शिवसेना का जो पॉलिटिक्स रहा है, जो हिंदुत्व रहा है, वो आप सभी को पता है। मैं हर बार यही कहते आया हूँ, हमारा पॉलिटिक्स सिंपल है, हमारा हिंदुत्व साफ है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भी हम चुनाव में वचन देते हैं वो पूरे करते हैं, चुनाव हो या ना हो, जीते हारे हम हमारा वचन पे खड़े ठहरते हैं। यहाँ राजनीति के लिए नहीं, हम हमारी आस्था की बात है और दर्शन करने आए हैं। पिछले साल भी आए थे, कोविड के दरमियान नहीं आ पाए, लेकिन उसी से पहले जब शपथ उद्धव साहब ठाकरे ने ली थी मुख्यमंत्री करके, तो हम सारे पूरे शिवसेना परिवार को लेके यहाँ रामलला का दर्शन लेने भी आए थे। लक तो हर दिन ज़रूरी होता है, बीएमसी चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर दिन चुनौती तो होती है, और अच्छे काम करने हो तो रामलला के दर्शन हो तो राम राज्य भी ला सकते हैं, इसलिए हम आए। मला तरी असं कुठे जाणवलं नाही, आज सकाळी देखील आमचं काही महंतांबरोबर फोनवर बोलणं झालं। महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की आम्ही इथे भगवान श्री रामासाठी आलो आणि त्यांचं दर्शन घेणार, हनुमानजींचं दर्शन घेणार आहे, आणि चांगलं कामासाठी आम्ही आशीर्वाद घेत आहोत। मुझे लगता है आज अयोध्या में है, अयोध्या की बात करें, मंदिर निर्माण की बात करें, सबसे अहम चीज़ यही है कि कोर्ट के निर्णय के बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने तब भी एक मिनट मुझे पूरा बात तो होने दीजिए, हमने तब भी मांग की थी कि पूरी बात तो होने दीजिए, तब भी मांग की थी कि एक स्पेशल लॉ बनाया जाए और मंदिर निर्माण हो, वो ऐसे नहीं हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद अभी मंदिर निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है हमें इसमें काफ़ी आनंद है और इसी को आगे लेके जाएंगे। अलग अलग विषय आज जैसे मैंने कहा कि आज राजनीति पे नहीं, अयोध्या पे बात करेंगे। मी इतर कोणाची त्यांची कशी भूमिका असेल त्याच्यावर बघणार नाही, पण नक्कीच त्यांनी आमचं स्वागत केलंय, मगाशी आमचं फोनवर पण बोलणं झालं। एक महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की देश म्हणून बघितलं, समाज म्हणून बघितलं, तर खास करून कोविडच्या काळात उत्तर प्रदेशची लोकं असतील, बिहारची लोकं असतील, तेलंगणाची असतील, इतर अन्य राज्यांची लोकं, आपण महाराष्ट्रात त्यांना नीट जसं इतर देशाच्या नागरिकांना किंवा आपल्या स्वतःच्या नागरिकांना प्राधान्य दिलं तसं सर्वांना दिलं। इथे कोण कोणाचं स्वागत करते, विरोध करते, ह्याच्यापेक्षा मला वाटतं मंदिर निर्माण चांगलं व्हावं आणि त्याच्यासाठी महाराष्ट्र सदन इथे अजून एक व्हावं ह्याची आमची इच्छा आहे। स्थानिक प्रशासन असेल, स्थानिक इथे प्लॅनिंग अथॉरिटी, त्यांच्यासोबत बोलू, जे कोणी स्वागत करतात त्यांना सोबत घेऊन आम्ही पुढे या देशाच्या निर्माणासाठी असेल, समाजसेवेसाठी असेल, आम्ही पुढे घेऊन जाऊ। मैं हमारे बारे में बात कर सकता हूँ, अन्य पक्षों के बारे में नहीं। क्या क्या हमारा कहीं कभी अटी शर्ती खेला नहीं है, हिंदी में ही बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता काफ़ी स्वागत कर रही है, अगर आप देखें तो काफ़ी सारे महंत है, काफ़ी सारी साधु संत है, और यहाँ की जनता जो है वो भी हमारा स्वागत कर रही है। हम तो यहाँ भक्त करके आए हैं, राजनीति लेके नहीं आए हैं, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ना ही चुनाव का कोई मामला है। अभी हम यहाँ दर्शन तो लेने आए, लेकिन हम जैसे ही लौटेंगे, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने कहा है कि उनकी बात वो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ महाराष्ट्र सदन वहाँ के जो यात्री है उनके लिए करना है। शक्ती आणि भक्ती हे आमच्यासाठी दोन्ही एकत्रच आहे, आणि आमच्या भक्तीतच आमची शक्ती आहे, आणि हाच आमचा धर्म आहे। जैसे मैंने कहा कि ये मैं कोई राजनीतिक मामले पे नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो है
ये तो प्रचार साहित्य बन गया है, मैंने मुंबई में भी कहा कि केंद्रीय यंत्रणा जो है सारी वो तो प्रचार साहित्य बन गए, तो वो पार्टी का ही अंग बन चुके हैं। मतलब तो मला इथे शाखा तर आहेच, पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे प्रत्येक हृदयात शिवसेना आहे। हिंदुराज सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची त्यावेळची भूमिका असेल किंवा आत्ता मध्यंतरीच्या काळात जेव्हा 2018 मध्ये उद्धव साहेबांची भूमिका पक्षप्रमुख म्हणून असेल की मंदिर पहिलं झालं पाहिजे, तर प्रत्येक ज्याला ज्याला या मंदिराबद्दल आस्था आहे ही भूमी पवित्र वाटते त्यांना, त्यांच्या हृदयात शिवसेना आहे। आता त्याच्यात मतं मागण्यासाठी कुठेही आम्ही तो ती भूमिका घेतली नव्हती। शाखा ही आमची समाजसेवेचं पण एक मोठं साधन आहे, तर त्याच्यात मतांमध्ये किती होतं, समाजसेवेत किती होतं ह्यापेक्षा मोजण्यापेक्षा शाखेचं किती काम वाढत आहे। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे लोकांमध्ये जेवढं प्रेम आस्था आहे, मी काही काही चॅनल्सवर पण बघत होतो, आपणच इंटरव्ह्यू घेतले आणि त्यांनी पण सांगितलं की कोविड काळात महाराष्ट्रात चांगले काम झालं, युपीच्या लोकांना जे तिथे होते स्थानिकांना खूप मदत झाली शिवसेनेकडून, तर ही समाजसेवेची भावना घेऊन आम्ही इथे आलेलो आहोत। देशात ज्यांचं पण सरकार असेल, इतर अनेक राज्यांमध्ये असेल, तिथे राम राज्य स्थापित व्हावं ही आमची भूमिका। मी मुंबईत पण सांगितलेलं आहे की ह्या सगळी यंत्रणा ही प्रचार यंत्रणा झालेली आहे। आपने शायद उनका पूरा बयान पढ़ा नहीं होगा, हमारे बारे में ऐसे कुछ नहीं कहा उनसे, तो हमारी उन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है, उस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उत्तर भारतीय जो है जो वो बाद में है, पहले वो भगवान श्री राम के वंशज है। बिल्कुल, और हम भी सभी है, और इसलिए हमने भी अभी उनसे बात करी है, अच्छी बात हुई है और उन्होंने स्वागत तो किया है, लेकिन हमारा नाता यहाँ से, यहाँ के लोगों से है और यहाँ के भगवान श्री राम से है, वो हमारे सबके दिलों में है। भगवान श्री राम हो, सीता मैया हो, भरत जी हो, हनुमान जी हो, सभी हमारे दिलों में है, और इसीलिए उस समय भी हिंदुराज सम्राट बाळासाहेब ठाकरे की जो भूमिका थी, या 2018 में पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे की भूमिका हो, या शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहले अगर कहीं आए हो तो मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए और दर्शन हुए, तो हमें राम राज्य स्थापित करना है, हमारे हाथों से अच्छी सेवा हो, लोगों की सेवा हो, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। ये कोई चुनावी मामला नहीं है, ना कोई राजनीतिक विषय है, हमारे लिए आस्था का विषय, जैसे ही भारत की आस्था से ये पवित्र भूमि जुड़ी हुई है, वैसे ही हमारे दिलों में। धन्यवाद।